आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैंने जो भी वीडियो डाली है आपने उनको बहुत प्यार दिया है। आज मैं आपके लिए एक डिश लेकर आई हूँ जिसको जवे बोलते हैं। तो ये जवे आटे के भी बनते हैं, सूजी के भी बनते हैं, मैदा के भी बनते हैं। ये मैंने मैदा के बनाए हुए हैं। ये गर्मियों में बनाए जाते हैं, फिर इनको पूरे साल के साल आप यूज कर सकते हैं। अब मैं ये आपको बनाना सिखाती हूँ। इसमें 2 चम्मच में ऑयल डाल दूंगी। आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। इसमें थोड़ी अजवाइन डालूंगी। जब ये लाल हो जाएगी अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, थोड़ी लाल मिर्च भी डाल देंगे। अब हम इनको भून लेंगे। थोड़ी सी हमने हरी मिर्च भी डाली है, इनको भी हम भून लेंगे। जो मैंने हरी मिर्च डाली है वो मैंने पहले ही काट के रखी हुई थी। ऐसे ही मैंने एक छोटा सा आलू भी पहले ही काट के रखा हुआ है जो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। मैंने ये थोड़ी सी मटर भी छील कर रखी हुई है जो मैं इसके अंदर डाल सकती हूँ। ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, आप अपने घर में बनाए खाए, इनका वो टेस्ट अच्छा है। ये सारी चीजें मैंने भून ली है। अब इसके अंदर मैं 1 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। मैंने पानी ऐड कर दिया है इसको उबलने का। ये मैंने 1 कटोरी जवे लिए हैं। थोड़ा सा गर्म पानी ये हो गया है। जब ये थोड़ा सा गर्म पानी होता है जब मैं इसमें नमक ऐड कर देती हूँ। आधी चम्मच मैंने नमक इसके अंदर डाल दिया है। अब ये पानी उबल जाएगा इसके अंदर, तभी जवे डालने हैं। अब ये पानी गर्म हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा अदरक डाल देते हैं। अदरक भी डाल दिया है। अब ये पानी उबलता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम ये जवे डाल देते हैं। ये मैंने पहले से ही भून के रखे हुए थे, ये भून के रखेंगे तो सही रहता है, समय बचता है। हम किसी टाइम भी बना लेता है, जैसे सुबह जल्दी बच्चों को स्कूल के लिए देने हो तब भी हम इसको बना सकते हैं, एकदम बन जाते हैं भुने हो तो। अब हम इसको मंदी कर देंगे और कुछ समय के लिए हम इसको ढक देंगे। 5 मिनट पकने के बाद इनको बीच में एक बार चला दिया था और ये अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ 5 मिनट के लिए। गैस बंद करने के बाद मैंने ये 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दिए थे जिससे ये पूरी तरह से पक जाए। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कैसे बने हैं। ये देखिए, ये ऐसे बने हैं। आप इसमें अपनी पसंद से कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। आप इसमें टमाटर डालें, गाजर डालें, प्याज डालें, जो आपको पसंद आए वो इसमें आप डाल सकते हैं। आप इसमें स्वाद अनुसार घी मिला सकते हैं। आप इसे नाश्ते में, खाने में, किसी टाइम भी खा सकते हैं। हल्की फल्की भूख हो तो भी इन्हें बना के खा सकते हैं। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप इन्हें दही के साथ, रायते के साथ,
किसी चीज के साथ भी खा सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को ज्वाइन करना।